तो याद होगा आपको लास्ट क्लास में हम लोगों ने लैटिस एनर्जी के बारे में पढ़ा था। उससे पहले और दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था। पहला कॉन्सेप्ट था जिसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, और उसके बाद हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन गेन एन्थैल्पी। अब जो समय की कमी थी, एक घंटा ऑलरेडी पूरा हो गया था, तो हम लोग को अगले क्लास में ये टॉपिक लेके आने पड़ा जिसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग दी लैटिस एनर्जी या लैटिस एन्थैल्पी। तो उसके अंदर मुख्यतः दो ही फैक्टर काम करते हैं। पहला लिखिए चार्ज ऑन दी आयन। फर्स्ट फैक्टर जो है उसको वो है चार्ज ऑन दी आयन। अब देखिए चार्ज ऑन दी आयन मतलब क्या, जिसका चार्ज ज्यादा होता है उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी चाहे वो प्लस चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, चार्ज ज्यादा होगा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे अगर मैं कंपेयर करूं सोडियम, उसी के बगल में Mg, उसके बगल में एल्युमिनियम, तो आप जानते हैं एल्युमिनियम के ऊपर प्लस 3, इसके ऊपर प्लस 2 और इसके ऊपर प्लस 1। चार्ज सबसे ज़्यादा किसके पास है, इसके पास है, तो लैटिस एनर्जी सबसे ज़्यादा किसके पास होगी, इसी के पास होगी। तो लिख दीजिए increases the lattice enthalpy as higher the charge on the ion higher is the force of attraction and hence larger is the amount of energy released or absorbed higher the charge on the ion higher is the force of attraction and hence larger is the amount of energy released or absorbed। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा नहीं देगा, आपको बोलेगा क्वेश्चन ऐसा देगा NaCl MgCl2 AlCl3, इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसके पास है, ऐसा सवाल होगा। तो आप देखिए यहां पर तीनों ही केस में एनायन जो है वो सेम है। अगर एनायन सेम है तो व्हाट विल डू इज विल कंपेयर दी कैटायन, और जब आप कैटायन को कंपेयर करेंगे तो वहां से क्लियरली दिखाई देगा कि कैटायन में सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास है, सबसे ज्यादा चार्ज है एल्युमिनियम के पास। जिसके पास जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा लैटिस एनर्जी रिलीज होगी या रिक्वायर्ड होगा उसको तोड़ने के लिए। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट क्लियर है। पॉइंट नंबर 2 साइज ऑफ द आयन। पॉइंट नंबर 2 है साइज ऑफ द आयन, साइज ऑफ द आयन। अब देखिए साइज ऑफ द आयन की क्या बात है, ये लैटिस एनर्जी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चाहे आर प्लस हो कि आर माइनस हो। साइज बड़ा होता है ना तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कमजोर हो जाते हैं। कैसे, फोर्स आप लोगों को मैंने बताया था किसके बराबर होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के बराबर। अगर ये बड़ा होगा तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर फोर्स आपका छोटा हो गया तो लैटिस एनर्जी भी क्या होगी, छोटी हो जाएगी। इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, देयर इज इनडायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड चार्ज। तो इसको भी आप लिख लीजिए राइट, लार्जर द साइज ऑफ द आयन, लार्जर इज द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, lesser is the force of attraction and hence lesser will be its lattice energy अब मान लीजिए आपके पास दो कंपाउंड है, एक है NaCl और एक है NaBr। अब ध्यान से देखिए इस दोनों को जब आप चेक करेंगे, इसके ऊपर प्लस वन चार्ज, इसके ऊपर माइनस चार्ज, इसके ऊपर प्लस वन चार्ज, इसके ऊपर माइनस वन चार्ज,
तो चार्ज से यहां पे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सबका चार्ज क्या है, सेम है। प्लस सेकंड एस्पेक्ट, दोनों का कैटायन भी क्या है, सेम है। अब क्या रह गया, ये रह गया Na, ये इस तरफ है, साथ में इसके कौन है, Cl है। वेराज ये तो अभी भी Na ही है, पर इस बार इसके साथ कौन है, Br है। Br का साइज चूंकि ज्यादा है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यहां क्या होंगे, ज्यादा होंगे, और यहां क्या होंगे, कम होंगे। जिसको ऐसे इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और इसकी लैटिस एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया, ये लॉजिक क्लियर है, तो लिख लीजिए उसके नीचे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि LIF और LII में, सवाल ये लिख लिए ना, LIF, LIF एंड LII में किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी और किसकी लैटिस एनर्जी, तो अब ये इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस वन, इसके ऊपर माइनस वन, इसके ऊपर भी प्लस वन और इसके ऊपर भी माइनस वन, तो चार्ज तो यहां फैक्टर है नहीं। यहां पे भी कैटायन लिथियम है, यहां पे भी कैटायन लिथियम है, लिथियम होता है काफी छोटा, उसके बगल में कौन है, एग्जैक्टली फ्लोरीन, उसी के साइज का। वेरेज यहां पे लिथियम है काफी छोटा, लेकिन उसके बगल में जो लगा हुआ है वो आयोडीन है, और आयोडीन जो होता है वो काफी बड़ा होता है, आयोडीन जो है वो काफी बड़ा होता है, आयोडीन जो है वो काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। देयरफॉर इसमें तो हम डबल एरो भी लगा सकते हैं। रीजन क्या है डबल एरो का, साइज में काफी ज्यादा डिफरेंस है। क्लियर, तो ये जितने भी एग्जाम्पल अभी हमने लिए हैं ये सब किसके आधार पर है, दीज ऑल आर, दीज आर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, साइज। इस तरह का अगर कोई सवाल आपसे पूछ ले कि किसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा या किसकी लैटिस एनर्जी कम, तो कर लेंगे। चलिए नोट डाल के एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए। अब हमारे पास तीनों फैक्टर आ गए, कौन कौन से, लैटिस एनर्जी भी समझ में आ गया, हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी समझ में आ गया, और हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी भी समझ में आ गया। अब मैंने आपसे कहा था कि लो आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होना चाहिए, और हाई लैटिस एनर्जी होनी चाहिए, ताकि इन तीनों को मिलाकर ओवरऑल एनर्जी क्या होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए। अगर ओवरऑल एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, तो आपका जो कंपाउंड है वो स्टेबल हो जाएगा। तो लिखिए, इफ लैटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इफ लैटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द लैटिस एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन द आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नेट इफेक्ट क्या होगा, रिलीज इन एनर्जी, द नेट इफेक्ट इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, द नेट इफेक्ट इज इंक्रीज इन एनर्जी या रिलीज इन एनर्जी, द नेट इफेक्ट इज रिलीज इन एनर्जी एंड हेंस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनाइजेशन एनर्जी, द नेट इफेक्ट इज रिलीज इन एनर्जी, द नेट इफेक्ट इज रिलीज इन एनर्जी विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। क्या हाँ, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर, बढ़े आगे, हेडिंग डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अभी एक नया कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेशन
नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर उसको समझते हैं। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? देखिए हमारे पास एक इस तरह का आपने वो बनाया था, एक इस तरह का आपने एक क्यूब बनाया था, याद होगा अगर लास्ट क्लास में हम लोग बनाए थे इस तरह का क्यूब। इस क्यूब में, इस क्यूब में ये कॉर्नर पे जो पॉइंट्स थे, इन पॉइंट्स पर आपने कुछ एटम्स को रखा था। अब मैंने आपसे कहा भी था उस टाइम पे कि एक्चुअली एटम ऐसा होता नहीं है, एटम जो होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा होता है, जैसे ये इस तरह से टच्ड रहता है, इधर भी मान लीजिए ऐसा है, इस तरह से वो कॉर्नर पे, मतलब इतना छोटा छोटा नहीं रहता है, काफ़ी बड़ा बड़ा रहता है ये एटम सब, मतलब इस तरह से रहता है। अगर मैं दिखाऊं आपको तो आप देख सकते हैं, देखिए मैं आपको लैटिस स्ट्रक्चर अगर दिखाऊं तो देखिए आप लैटिस स्ट्रक्चर एक्चुअली में कैसा होता है। हम लोग ऐसा फोटो बनाते हैं ना एक्चुअली में, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, देखने में ऐसा होता है। देखिए ये इसकी तरह होता है, मतलब थ्री डायमेंशनल जो है, इसमें भी रुके लैटिस स्ट्रक्चर 3D डाल देता हूँ तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। 3D डाल देते हैं, 3D मॉडल, तो आप देखिए उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लैटिस स्ट्रक्चर 3D में ले लाटी केमिस्ट्री CHEMISTRY केमिस्ट्री अब आ जाना चाहिए। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं वो एक्चुअली ऐसे ऐसे सटे हुए रहते हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे आपस में सटे हुए रहते हैं, देख रहे हैं ये सब आपस में सटा हुआ है ना, ये एकदम से फ्री नहीं रहता है, काफ़ी एक दूसरे से चपका हुआ रहता है। पर ये तो सब पढ़ाने के लिए हमको लगता बनाए हैं ये लोग, कोई भी ऐसा वाला मॉडल नहीं दिख रहा जो ब्रेविस लैटिस कर देता हूँ, ब्रेविस अब आ जाए शायद, ब्रेविस लैटिस में भी, ब्रेविस लैटिस भी दिख नहीं रहा 3D में, ब्रेविस लैटिस 3D मॉडल है। एक भी दिख नहीं रहा, हाँ ये यही दिखाना चाह रहा था, ये ऐसा दिखता है एक्चुअली में, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये ऐसा दिखता है, आपस में सब एक दूसरे से दिख रहे हैं, टच्ड है, कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब अलग अलग है, जबकि हम लोग जो पढ़ाने के लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऐसा बना देते हैं, पढ़ाने में जो स्ट्रक्चर बना देते हैं वो ऐसा बनाते हैं, पर एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, होता वो वैसा ही है, हम लोग पढ़ाने में ये सहूलियत पड़ता है इसलिए इसको ऐसा बनाते हैं। गॉट इट? तो इस बात को यहां पर देखिएगा, तो ये सब आपस में टच्ड रहता है। अब इसको मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए ये इस तरह से एटम्स हैं, इस तरह से आपस में क्या रखा हुआ है, एटम रखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ऐसे सारे एटम्स आपस में एक दूसरे से टच्ड होके रखे हैं, जो फोटो अभी बनाए थे ना थोड़ी देर पहले, जो फोटो दिखाए थे अभी, वह उसी टाइप से सब आपस में कैसा है, टच हुआ हुआ है, सब आपस में ऐसे टच हुआ हुआ है, और ये तो फर्स्ट लेयर है, इसका उधर भी ऐसे लेयर होगा ना, सब ऐसे ऐसे पीछे भी जा रहा होगा, समझ रहे हैं, 3D है थोड़ा सा, ऐसे पीछे पीछे भी जा रहा होगा, सब ऐसे बढ़ रहा होगा। खैर हम लोग को पीछे वाले से उतना विशेष मतलब नहीं है, हम लोग को किससे मतलब है, ध्यान से देखिए, मान लीजिए मैं ये वाले एटम को कंसीडर कर रहा हूं, ये वाले एटम को कंसीडर कर रहा हूं, ये जो आपका एटम है, अब ये एटम मुझे बताइए कितने एटम से टच्ड है, एक ये एटम से टच्ड है, एक ये एटम से टच्ड है, एक इससे कितने एटम से टच्ड है, 4 एटम से टच्ड है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 4 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 4 हुआ, इसको मिटा रहा हूं क्योंकि अब समझ में आ गया कि हमारे किसी काम का नहीं है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह भी हो सकता है कुछ इस तरह का एटम का अरेंजमेंट हो जाए, कुछ इस तरह का एटम का अरेंजमेंट हो जाए, यह ऐसा एटम्स का अरेंजमेंट है,
अब किसी एक को मान लीजिए मैं कंसीडर करता हूं फॉर स्टडी, सपोज करिए मैं इसको स्टडी के लिए कंसीडर कर रहा हूं, दिस इज द एटम विच इज कंसीडर्ड फॉर आवर स्टडी पर्पज। अब इसको आप ध्यान से देखिए, ये कितने एटम से टच्ड है, देखिएगा ये 6 एटम से टच्ड है, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ 6 ना, हाँ जो जितना ज्यादा नंबर ऑफ एटम से टच्ड रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, उतना ज्यादा होता है, और जिसका फिर 6 लिख दिए, मैं बोलना चाह रहा कुछ, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा वो उतना कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, और जिसका जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर मतलब उसका लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा कॉम्पैक्ट है तो उसको तोड़ने में भी तो एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो जब बना होगा तो भी उसने सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज किया होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर अगर किसी का ज्यादा है तो उसका कॉम्पैक्टनेस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, और उसकी लैटिस एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो ये फैक्टर आपके उस तीनों फैक्टर में डिपेंड नहीं लिखा गया था, ये अलग से एक फैक्टर है। तो लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कैटायन और अनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कैटायन और अनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ कैटायन और अनायन सराउंडिंग आयंस रेस्पेक्टिवली, सराउंडिंग आयंस रेस्पेक्टिवली, मोर द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर हायर इज द लैटिस एनर्जी, हायर इज द लैटिस एनर्जी, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा तो उसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा। अब ये स्ट्रक्चर आप उसके नीचे बना लीजिए जिससे आपको पता चले कि कोऑर्डिनेशन नंबर कहते किसको है। नंबर ऑफ एटम्स अटैच्ड, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे कह रहा हूं कि ये वाला जो बीच में आपने लिखा है ये कैटायन है, ये थोड़ी देर के आप क्या मान रहे हैं, इसको आप कैटायन मान रहे हैं, तो अगर ये कैटायन है तो ऑब्वियसली ये सब क्या हुआ होगा, ये सब सब एनायन हो गया होगा, ये सब सब एनायन होगा, और जितने ज्यादा एनायन इससे टच में रहेंगे उतना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा और इसकी लैटिस एंथैल्पी भी उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। सिमिलरली यहां पर भी मान लीजिए यहां पे मैं इसको एनायन मानता हूं, ये यहां एनायन है तो इसके इर्द गिर्द कौन रहेगा, ऑब्वियसली कैटायन रहेगा, तो जितने ज्यादा कैटायन होंगे उतना ही ज्यादा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, और जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा उसका लैटिस एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, साइज के ऊपर, मान लीजिए इसका साइज और बड़ा रहता तो 6 की जगह 8 अपने बगल में रखता, इसका साइज और बड़ा रहता तो 4 की जगह 6 रखता, यानी साइज ऑफ कैटायन या एनायन अगर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स भी बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स बढ़े मतलब कौन बढ़ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये लॉजिक क्लियर है तो लिख दीजिएगा उसको पॉइंट से, विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, द कैटायन और एनायन विल बी, द कैटायन और एनायन विल बी इन टच विथ, द कैटायन और एनायन विल बी इन टच विथ मोर नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन रेस्पेक्टिवली, विथ इंक्रीज इन द साइज ऑफ कैटायन और एनायन, इट विल बी इन टच विथ मोर नंबर ऑफ एनायन एंड कैटायन रेस्पेक्टिवली, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग लैटिस, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग लैटिस, मेकिंग देम स्ट्रॉन्ग लैटिस, making them strong lattice. Therefore, more the coordination number, more is the lattice energy. More the coordination number, more is the lattice energy. बढ़े आगे।
एक एग्जांपल है BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 एंड BeSO4। ये ऐसे कुछ आपसे कहना, बताओ इसमें सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी होगी। ठीक है, चेक करते हैं। ये भी प्लस टू, ये माइनस टू, ये भी प्लस टू, ये माइनस टू, ये प्लस टू, ये माइनस टू, ये प्लस टू, ये माइनस टू, और ये भी प्लस टू और ये माइनस टू। चार्ज तो सब में क्या है, सेम है, और सबका जो एनायन है वो भी क्या है, सेम है। हमने भी थोड़ी देर पहले देखा था लैटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी अगर साइज बढ़ेगा तो उसकी लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगी, घटेगी। ये आर्ग्यूमेंट नंबर वन है। वेर एस अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर किसी का साइज बढ़ता है तो वो अपने एनायन को ज्यादा अपने बगल में रखेगा, उस हिसाब से सब लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो साइज बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा, और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ा तो लैटिस एनर्जी बढ़ा। नोट डाल के इस बात को यहां पे लिखिए, नोट डाल के लिखिए, फॉर कार्बोनेट्स एंड सल्फेट्स, फॉर कार्बोनेट CO3-, एंड सल्फेट SO4-, the coordination number factor is dominant over radius factor, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा, और ये फैक्टर अगर डोमिनेट किया तो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसके पास होगा, BeSO4 के पास। क्लियर? तो कुछ लोग इसको अपवाद के नाम पे रटा देते हैं, पर लॉजिकली देखा जाए तो आप लॉजिक से भी इसको समझा सकते हैं कि अगर लैटिस एनर्जी यानी साइज बड़ा, किसका, बी ए का साइज सबसे बड़ा होगा, बी ए का साइज ज्यादा तो ज्यादा SO4 उसके चारों तरफ होंगे, ज्यादा SO4 ज्यादा है उसके चारों तरफ होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो सिर्फ यही फैक्टर कंसीडर नहीं करना है, यू हैव टू कंसीडर दिस फैक्टर, बट ओनली फॉर व्हाट, ओनली फॉर कार्बोनेट एंड सल्फेट, और वो भी किसके लिए, ओनली फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो भी याद लिखिएगा। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू है, दिस इज वैलिड ओनली फॉर, वैलिड only for alkaline earth metal। तो एग्जाम में अगर आ जाएगा और अगर ये पॉइंट ध्यान नहीं है तो आपसे इसका आंसर सही नहीं दिया जाएगा। आपके खुंटिया सर पढ़ाते हैं, एग्जाम में देते हैं ये सवाल, जबकि हमको नहीं लगता है कि क्लास में पढ़ाए रहते हों। हेडिंग डालिए, क्या ग्रुप टू, अल्कली मेटल होता है ग्रुप वन, अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ग्रुप टू। नया टॉपिक है, हेडिंग डालिए साल्वेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका भी कनेक्शन जो है वो उसी के साथ है जो अभी पढ़े हैं लैटिस एनर्जी के साथ, तो इसीलिए साथ में ही पढ़ रहे हैं। सॉल्वेशन एनर्जी, व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी किसे कहते हैं। कोई भी चीज आप किसी दूसरे चीज में डिसॉल्व करते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। आप किसी भी सॉलिड को किसी लिक्विड में जब आप डिसॉल्व करते हैं
तो सॉलिड होता है क्रिस्टल, सॉलिड किस फॉर्मेट में होता है, क्रिस्टल फॉर्मेट में। जो चीज क्रिस्टल है वो किसी ना किसी लैटिस स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होगी। आप जब इस लैटिस को किसी भी लिक्विड में डिसॉल्व करिएगा तो इसका लैटिस ब्रेक डाउन होगा, इसका लैटिस क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। ये जो ब्रेक डाउन हुआ है इसको तोड़ने के लिए तो कुछ एनर्जी चाहिए ना, अपने से तो कोई कैसे टूटेगा, टूट जाएगा कोई भी, अपने से तो नहीं टूट सकता है, तो कुछ इसमें एनर्जी चाहिए तोड़ने के लिए। और जब इसका लैटिस टूटेगा, टूटने के बाद ये ब्रेक डाउन हुआ और ब्रेक डाउन होकर उस लिक्विड में डिसॉल्व हुआ, डिसॉल्व होने पर एक नई एनर्जी उत्पत्ति होगी, एक नया एनर्जी रिलीज होगा। वो जो एनर्जी है जितना इसको तोड़ने में लगा है अगर उसे ज्यादा रिलीज हो गया तो ये सॉलिड उसमें डिसॉल्व होगा, अगर उसे कम रिलीज हुआ तो ये सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो वो जो एनर्जी, व्हेन अ सॉलिड इज डिसॉल्वड इन अ लिक्विड, जो वो एनर्जी रिलीज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। लॉजिक क्लियर है? ये एक सॉलिड है जो कि एक क्रिस्टल फॉर्मेट में रहता है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है, लैटिस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, तो आपको एनर्जी कौन देगा, वो लिक्विड में जब आप उसको डिसॉल्व करिएगा आपको एनर्जी मिलेगी, वो एनर्जी जो आपको मिली है उससे ही ये बॉन्ड टूटेगा। और जब ये बॉन्ड टूट के उस लिक्विड में डिसॉल्व करेगा तो वो एक एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। एंड इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी देन द सॉलिड विल डिसॉल्व इन द लिक्विड, इफ द सॉल्वेशन एनर्जी इज लेस देन द लैटिस एनर्जी दिस सॉलिड इज नॉट गोइंग टू डिसॉल्व इन द लिक्विड। क्लियर? तो पहले आप ये डायग्राम एक तरह से अपना जस्ट माइंड मैपिंग के लिए बना लीजिए, और यहां से जो एनर्जी रिलीज होती है ना उसी को क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं, दिस ओनली कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी। और इसी सॉल्वेशन एनर्जी का एक और नाम है, क्या नाम है पता है, अगर हमारा लिक्विड पानी है, इफ द लिक्विड इज वाटर, इफ द लिक्विड इज वाटर, तो उसको पता है क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी, या उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एंथैल्पी। समझ में आया? तो अभी इस सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग को लिखना है, व्हाट इज हाइड्रेशन एंथैल्पी, व्हाट इज सॉल्वेशन एनर्जी। पर मोटे मोटे तौर पर मेरे को आइडिया आपको लग गया कि कोई भी सॉलिड जब किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है तो वो सॉलिड स्ट्रक्चर है तो उसको टूटना होगा, बिना टूटे वो कैसे डिसॉल्व होगा, टूटेगा तो उसको कोई एनर्जी देगा भाई, तभी वो टूटेगा। कोई भी चीज तो ऐसे ही नहीं टूटेगी, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ता है, एनर्जी दीजिएगा तो बॉन्ड टूटेगा, टूट के क्या होगा, पानी में डिसॉल्व करेगा, उस डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में एक एनर्जी रिलीज होगी जिसका नाम है सॉल्वेशन एनर्जी। इफ दिस सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन, क्योंकि यहां पर आप एनर्जी सिस्टम को दे रहे हैं और यहां से एनर्जी मिल रहा है, ओवरऑल एनर्जी हमको मिलना चाहिए, ओवरऑल एनर्जी रिलीज होगी तभी ना सिस्टम स्टेबल होगा। कोई भी आदमी तो कोई भी चीज के लिए स्टेबिलिटी के लिए जा रहा है, कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस होता है वो स्टेबिलिटी के लिए होता है। तो अगर यहां पर जो एनर्जी लगा है उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा तब तो ये सॉलिड उसमें डिसॉल्व होगा, नहीं तो ये सॉलिड उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। तो लिखिए सॉल्वेशन ज्यादा होगा तभी डिसॉल्व करेगा। तो लिखिए सॉल्वेशन इज एन इंटरैक्शन ऑफ सॉल्यूट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेशन इज एन इंटरैक्शन ऑफ सॉल्यूट विद सॉल्वेंट, सॉल्वेशन इज एन इंटरैक्शन ऑफ सॉल्यूट विद सॉल्वेंट, सॉल्यूट विद सॉल्वेंट, सॉल्यूट विद सॉल्वेंट फुल स्टॉप, विच लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट आयन इन द सॉल्यूशन, विच लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट आयन इन द सॉल्यूशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट आयन इन द सॉल्यूशन फुल स्टॉप, इन द सॉल्वेटेड स्टेट, इन द सॉल्वेटेड स्टेट द सॉल्यूट आयन इज सराउंडेड बाय, द सॉल्यूट आयन इज सराउंडेड बाय
द सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स दस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन दस एनर्जी रिलीज्ड लिखिए तो उसके बाद लिखिए दस एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ अ गैसियस आयन इज डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी तो सॉल्वेशन एनर्जी क्या चीज होती है वो अब हम लोग को समझना है और कब ये रिलीज होगा उस बात पे हम लोग को ज्यादा गौर करना है। ध्यान से देखिए जब कभी भी किसी सॉल्यूट को आप किसी सॉल्वेंट में डालते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं NaCl प्लस वाटर का। जब NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हैं पानी के साथ क्या होगा, देखिए Na जो कि एक प्लस है ये टूट जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, और Cl माइनस ये भी ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो Na है इसको पानी चारों तरफ से घेर लेगा, इसको पानी चारों तरफ से क्या करेगा, घेर लेगा। क्यों घेरेगा, क्योंकि आप जानते हैं इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज होता है और इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज है तो ये प्लस है और ये माइनस है, चारों तरफ से ऑक्सीजन की तरफ से इसको क्या कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा, इसको क्या कर लिया जाएगा, घेर लिया जाएगा, इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, ये इस प्रकार से इसको चारों तरफ से पानी घेर लेगा। सिमिलरली जैसे इसने इसको घेरा है ऐसे ही हाइड्रोजन भी इस क्लोरीन को चारों साइड से क्या कर लेगा, घेर लेगा। हाइड्रोजन भी इसको चारों साइड से क्या कर लेगा, घेर लेगा। हाइड्रोजन भी इसको चारों साइड से क्या कर लेगा, घेर लेगा। यह हाइड्रोजन इसको चारों साइड से क्या कर लिया, घेर लिया, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, डेल प्लस चार्ज है। ये इसको भी घेर लेगा, ये इसको घेर लेगा, दोनों को घेर लेगा, घेरेगा, और वो भी अपोजिटली चार्ज इससे, तो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज आपस में अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो स्टेबलाइज करेंगे उसको, स्टेबलाइज करेंगे तो जैसे ये घिरेगा और ये अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, और कोई भी चीज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो उसी एनर्जी को क्या कहते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी। अब आप स्टेटमेंट को पढ़िए, सॉल्वेशन इज एन इंटरक्शन ऑफ सॉल्यूट विद द सॉल्वेंट व्हिच लीड्स टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉल्यूट आयन। सॉल्यूट आयन का स्टेबलाइजेशन हो रहा है इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्वेंट सॉल्वेटेड स्टेट एन आयन इन द सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय सॉल्वेंट, एन आयन इन द सॉल्यूशन इज सराउंडेड बाय द सॉल्वेंट, दस द एनर्जी रिलीज व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयन इज डिसॉल्वड इन अ सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्वेशन एनर्जी। अब यहां पर ना दो बातें आती हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। कोई भी सॉल्यूट किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होता है, इसको समझिए क्या है, एक स्टेटमेंट है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्या स्टेटमेंट है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसके अंदर पहला पार्ट है पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन पोलर सॉल्वेंट, और दूसरा पॉइंट है नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। इसको वैसे तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाता हूं, मेरा यूट्यूब पे इसका एक एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है। एग्जाम्पल इसका देखिएगा तो आप NaCl को पानी में ऐड कर सकते हैं, आप अल्कोहल को
पानी में ऐड कर सकते हैं, पर कभी ऑयल को पानी में ऐड कर सकते हैं? यह ऑयल पानी में ऐड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसको अभी समझेंगे। नॉन पोलर जैसे थर्मोकोल, थर्मोकोल ये डिसॉल्व करता है, ये डिसॉल्व करता है पेट्रोल के अंदर, पर थर्मोकोल पानी में डिसॉल्व नहीं करता है। इसका एक और एग्जांपल है, जैसे यही सेम ऑयल है, इसको आप C6H6 बेंजीन में डिसॉल्व कर सकते हैं, पर ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सर कब कौन किस में डिसॉल्व होगा, कब कौन किस में डिसॉल्व नहीं होगा, पहला। और दूसरा कि सर ये डिसॉल्यूशन प्रोसेस जो है वो होता कैसे है? तो पहले ये आर्ग्यूमेंट क्लियर करते हैं, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट में जाएंगे। पोलर हमेशा पोलर में ही डिसॉल्व होगा। पोलर मतलब जब हम पानी कह रहे हैं तो पानी मतलब ये, इसके ऊपर डेल प्लस, इसके ऊपर डेल माइनस, इसके ऊपर डेल प्लस, प्लस प्लस माइनस, पोलैरिटी डेवलप हो गई। पोलैरिटी डेवलप हो गई तो जो सॉल्यूट है वो भी पोलर होना चाहिए, Na प्लस Cl माइनस, ये भी पोलर, ये भी पोलर, दोनों आपस में मिल घुल जाएंगे। ऑयल हाइड्रोकार्बन से बना होता है, हाइड्रोकार्बन पानी, ये नॉन पोलर है ऑयल, और पानी क्या है? पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा। उसके लिए हमको क्या चाहिए? पोलर सॉल्वेंट चाहिए। पोलर सॉल्वेंट होता है बेंजीन, पेट्रोल और भी CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये सब सब नॉन पोलर है, इनमें पोलैरिटी नहीं है। अगर किसी चीज में पोलैरिटी नहीं है तो उसमें कौन डिसॉल्व होगा? नॉन पोलर डिसॉल्व होगा, पोलर डिसॉल्व, यानी तुम बेंजीन में NaCl डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? बेंजीन क्या है? नॉन पोलर है, और NaCl क्या है? पोलर है। पोलर नॉन पोलर का डिसॉल्यूशन संभव नहीं है। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब पोलर पोलर में मिक्स होगा, नॉन पोलर में मिक्स होगा। पहला बात क्लियर है, यहां तक कोई डाउट? इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट एक हम किए हुए हैं, शॉर्ट्स में जाके अगर चाहिएगा तो आप देख सकते हैं, जहां पे हमने थर्मोकोल को डिसॉल्व किया है पेट्रोल में, आप अगर देखे होंगे कुछ दिन पहले ही हम एक्सपेरिमेंट किए थे। थर्मोकोल को हमने पेट्रोल में डिसॉल्व किया है और पानी में भी डुबा के दिखाए हैं, तो पानी में नहीं डूब रहा है, लेकिन जब थर्मोकोल को पेट्रोल में डुबाए हैं तो कंप्लीटली डिसॉल्व कर गया। तो चूंकि थर्मोकोल क्या है? एक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर होता है, वो कभी भी पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, यानी पानी में डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन पेट्रोल भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व हो जाता है। इसका एक और बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, अगर संभव हो तो आप उसका ये लेके आइएगा सामान सब, तो हम अगला क्लास में आपको करा के दिखा देंगे। जरा सा पेट्रोल चाहिए, एकदम जरा सा पेट्रोल, ठीक है, और चार पांच बैलून लेते आइए, मस्त एक्सपेरिमेंट है उसके ऊपर, एकदम मजा आ जाएगा देखने में। तो अगला क्लास में एकदम जरा सा गाड़ी से पेट्रोल, थोड़ा सा, और चार पांच बलून, इतना लेके आइए, मस्त एकदम आपको एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। हाँ हाँ हाँ, उसका लॉजिक तो नहीं पता, आपने देखा है लेकिन लॉजिक क्या है, वो लॉजिक दिखा के हम कराएंगे अगले क्लास में, याद रखिएगा केमिस्ट्री वाली क्लास में। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, जो एक और आर्ग्यूमेंट था मेरा, सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो यहां पर आया कि भाई ये इसको चारों तरफ से घेर क्यों ले रहा है, इसको चारों तरफ से घेर क्यों ले रहा है, इसको समझिए। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, समझ में आएगा पोलर और नॉन पोलर में कैसा रिलेशनशिप होता है। आपने देखा होगा आपके मम्मी की एक बहुत अच्छी दोस्त होती है, या फिर एक ऐसी भी आंटी होती हैं जिनको देखते मम्मी कहती हैं कि बोल दो कि अभी पूजा पर बैठी हुई हैं। दो टाइप की आंटी, हर मम्मी की दो टाइप की आंटी जैसी दोस्त होती है। तो कभी मान लीजिए कि आपके घर में वो वाली आंटी आई जिनको देखते ही आपकी मम्मी कहती है कि पूजा पर है, अभी एक घंटा टाइम लगेगा, मना कर दो अभी, ऐसे। तो पिन होल वाला जो है, जो मिरर है उससे आपने देखा, वो जो लेंस लगा है उससे आपने देखा, लेंस में जब आप उस पार देखे तो बोले अरे फलाना शर्मा आंटी आई है, माने एग्जांपल दे रहे हैं शर्मा आंटी आई हैं। तो जैसे ही आप बोले कि शर्मा आंटी आई हैं, मम्मी कह रही मना कर दो, और वो वॉशरूम में चली गई, बोलेंगे अब नहाएंगे पूजा करेंगे, एक डेढ़ घंटा टाइम लगेगा, मना कर दो। अभी आपकी मम्मी कौन है? सॉल्यूट है, सॉरी आपकी मम्मी कौन है? सॉल्वेंट है। और जो आंटी आई वो कौन है? सॉल्यूट है। लेकिन मम्मी आपकी पोलर थी और जो आंटी आई वो नॉन पोलर थी, और रिपेल कर गया और इनका सॉल्युबिलिटी संभव नहीं है। लेकिन
आपने एक दूसरी टाइप की आंटी को भी देखा होगा कि आंटी को आपने, जैसे आपने कहा कि मिश्रा आंटी आई हैं, तो आपने कहा कि मिश्रा आंटी आई हैं, तो क्या अच्छा मिश्रा आंटी आई हैं, अच्छा अच्छा बुला 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 उनको। पहले वो लोग दोनों हॉल में बैठे और आपका पहला काम है कि जाके आपको चाय बनाना है। घर में जो लड़कियां रहती हैं उनको नहीं बोलते कि जाओ ए जा चाय बनाओ, तो अपने दोनों लोग हॉल में बैठ गई बात करने के लिए और फिर भेज दी कि जाओ चाय बनाओ। अच्छा जब तक आप चाय लेकर आए हैं थोड़ा मिक्सचर भी डाल के कि हाँ चलिए हम दोनों आंटी बैठी हैं बात करी, तब तक में पता चला कि वो लोग वहां से गायब है, तो आप अब उनको कहां ढूंढने जाएंगे? तो बोले मम्मी मम्मी, बोले अच्छा ऊपर लेके आ जाओ, चाहे अपने बेडरूम में बुला रही है, आ जाओ उधर आ जाओ। अभी अंदर गए तो देख रहे हैं कि दोनों लोग बैठ के बात कर रहे हैं, चलो ठीक है तुम जाओ पढ़ो अपना। फिर थोड़ी देर के बाद कुछ काम आया तो आप जब देखने आए वापस तो देख रहे हैं कि मम्मी अपना पूरा अलमीरा खोल के देखिए ना, करवा चौथ में ये वाला साड़ी खरीदे हैं, अरे जो अभी दिवाली आने वाला है ना तो ये वाला साड़ी आया है, ये सभी चल रहा है। अच्छा फिर थोड़ी देर के बाद देखा कि बोले शाम हो गया, पापा भी घर आ गए 5:30 बजे। आप जाके मम्मी को बोलने लगे मम्मी पापा आ गए यार, नाश्ता वास्ता कुछ दो, अरे तुम कुछ बना के दे दो। अब वो क्या पुराना अपना जेवरात सर की शादी के टाइम में देखिए हमको यही वाला हार चढ़ा था, बाकी देखिए कुछ नहीं है, तो सब हम अपने ये इनके पैसे से बनाए हैं, कुछ नहीं चढ़ा था। अब ये वाली आंटी इतनी क्लोज है कि वो बेडरूम में जाके पूरा उनका सब जीरा जेवरात और हीरा सब देख रही हैं। एक आंटी ऐसी थी जिसको तो गेटे पर से आप गेट आउट कर दिए। तो दूसरी वाली आंटी कौन है? पोलर है। किसके लिए? पोलर सॉल्वेंट के लिए। तो अगर सॉल्वेंट हमारा पोलर है तो वो जो आंटी है वो भी सॉल्यूट जो है वो भी पोलर, तो दोनों का मिश्रण हो पाएगा, लेकिन दूसरे केस में मिश्रण संभव नहीं है। ये वही आंटी है जिसको मम्मी अपने बेडरूम तक लेकर जा रही है, तो ये क्या होगा? स्टेबल है, और स्टेबल होगा तो ये क्या रिलीज करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और ये जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्वेशन एनर्जी। और अगर मेरा सॉल्वेंट पानी है तो इसी को और एक नाम से क्या बुलाएंगे? हाइड्रेशन एनर्जी या हाइड्रेशन एंथैल्पी। जल्दी जल्दी बनाइए। जल्दी जल्दी बनाइए। बना लिए? बड़े आगे जल्दी जल्दी बनाइए। टाइप्स ऑफ, मेरे ख्याल से फिर ही आधे में अटक जाएगा, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्वेशन एनर्जी फिर अगले क्लास में चला जाएगा, कोई बात नहीं। जल्दी जल्दी लिखिए, एटलीस्ट यहां तक का कहानी तो कंप्लीट करें। हाँ तो अभी लिखिए, टाइप्स ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, टाइप्स ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी, टाइप्स ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये एनर्जी जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कैटायन, सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कैटायन का क्या मतलब है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स अ कैटायन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स अ कैटायन। जो मैंने अभी फोटो बनाया था थोड़ी देर पहले याद है, ये जो पानी इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लिया था, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द वाटर मॉलिक्यूल सराउंड्स दी कैटायन इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ इज कॉल्ड सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ कैटायन। और इसी का दूसरा भाई ये बना लिए, जल्दी जल्दी बनाइए, सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ एनायन। दूसरा है सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ एनायन, सॉल्वेशन
एनर्जी ऑफ एनायन, एनायन के केस में क्या होता है, ये मान लीजिए आपका Cl- है, इसको चारों साइड से कौन घेर लेगा, पानी घेर लेगा, वो बिल्ला पर दिस टाइम कैसे घेरेगा, ऐसे घेरेगा जहां पे H के पास कौन सा चार्ज रहता है, प्लस चार्ज रहता है, और वो इस प्रकार से इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, घेर लेता है, और इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन एनर्जी ऑफ एनायन। उसके नीचे एक लाइन बस ऐड कर लीजिए, द आयनिक कंपाउंड विल बी सोल्यूबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, द आयनिक कंपाउंड विल बी सोल्यूबल इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ सोल्यूबल इन अ सॉल्वेंट, इफ एंड ओनली इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। यही कंडीशन है सॉल्युबिलिटी की, कोई भी आयन यानी आयनिक कंपाउंड, कंपाउंड कब किसी भी चीज में डिजॉल्व, कब किसी चीज में डिजॉल्व करेगा, उसका कंडीशन है द सॉल्वेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन आयनाइजेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी। क्या डन, हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर ऑन विच सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड्स, फैक्टर ऑन विच सॉल्वेशन एनर्जी डिपेंड, सॉल्वेशन एनर्जी किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये हम लोग को अगले क्लास में पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिटेड हो सके। थैंक यू।